लोकसभा चुनाव 2024 में रोज नए दिलचस्प वाक्य सामने आते हैं। कभी कोई परिवार का ही सदस्य एक दूसरे के विरोध में खड़ा नजर आता है, तो कभी परिवार का ही सदस्य एक दूसरे के विरोध में बोलता नजर आता है। कुछ ऐसा ही नजर आया इटावा में भी। इटावा एक हाई प्रोफाइल सीट है और काफी विवादों में भी रही है, और इस समय लोकसभा चुनाव 2024 में काफी दिलचस्प सीट कही जा रही है, जिस पर रोज नए कयास लग रहे हैं। इसी दौरान इटावा लोकसभा सीट पर एक नया मोड़ आ गया है। भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया की पत्नी ने यहां से नामांकन किया है। भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया की पत्नी मृदुला यू कठेरिया ने निर्दलीय नामांकन किया, अपने ही पति के खिलाफ चुनावी मैदान में लड़ने का ऐलान किया है। मृदुला कठेरिया ने इटावा लोकसभा चुनाव में नामांकन किया है। पिछली बार भी इन्होंने अपना नामांकन भरा था लेकिन वापस ले लिया था। इस बार उनका कहना है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। यहाँ जनतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र है, यहाँ सभी लोग स्वतंत्र हैं। हम अपने पति के खिलाफ, वो मेरे खिलाफ खड़े हैं, ये तो चुनाव है, सभी स्वतंत्र हैं। इटावा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। निर्दलीय नामांकन किया हम लोगों ने जी। पिछली बार भी आपने नामांकन किया था लेकिन वापस ले लिया, क्या इस बार वापस लेंगी या नहीं? वापस लेने के लिए थोड़ी नामांकन करते हैं, चुनाव लड़ेंगे। तो आप कठेरिया को क्या आवश्यकता हो गई? तो अच्छा, हम महिलाएं, आप इसलिए बात कर रहे हैं? ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और यहाँ सभी स्वतंत्र है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और महिलाओं के लिए अगर आप ऐसी बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? साथ लगना चाहिए प्रजातंत्र। तो इसका मतलब उनके साथ नहीं? नहीं, उनके साथ नहीं, अपना चुनाव लड़ेंगे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अरे जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो मतलब क्या है ये, इसमें क्या है? आप उनके खिलाफ या वो मेरे विरोध में, इससे क्या है? चुनाव लड़ रहे हैं बस। अब आप इसको आप कुछ भी मानिए, चुनाव तो चुनाव लड़ेंगे, स्वतंत्र तो सभी हैं।